अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणी हिसाबी तसाउर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि श्रेणी किस तरह बनाते हैं, यानी कि हिसाबी तसाउर कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको A1, A2, A3, A4 सब बताया था। उसके बाद मैंने आपको के समांतर श्रेणी के अंदर डिफरेंस का जाप्ता लिखाया था। मुँह पद यानी के दसवों पद, ग्यारहवों पद तलाश करने के लिए वो जाप्ता आपको लिखाया था। अब हम आज मिसाल एक सीखेंगे कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 -1/2 ने -3/2 माटे प्रथम पद यानी के पहला रुक्न, तो प्रथम पद ए अने सामान्य तफावत डी लखो। सामान्य तफावत यानी के फर्क, क्या फर्क? मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि डिफरेंस मैंने डी लिखा था, डी का जाप्ता दिया था। क्या था डी का जाप्ता? A2 - A1। हमको जब भी डिफरेंस शोधना हो तो A2 - A1। तो सबसे पहले हमको क्या दिला हिसाब में, दो बातें बताने की है कि एक तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के अंदर हमको बताना है कि पहला रुक्न क्या है। दूसरी बात बताने की है कि सामान्य तफावत क्या है, यानी कि श्रेणी के अंदर दो रुक्नों के दरमियान क्या फर्क है। ये दो बातें हमको इस मिसाल में बतानी है। तो सबसे पहले पहला रुक्न तो बहुत ईजी है, तो हम क्या करेंगे के पहला रुक्न बराबर यानी के प्रथम पद ए बराबर क्या आ जाएगा, प्रथम पद यानी के 3/2। ये हमारी पहली बात हो गई। अब दूसरा क्या दे रहा है उसने के सामान्य तफावत, तो सामान्य तफावत के अंदर अपने मालूम करने का जाप्ता, तो डी इज इक्वल टू A2 - A1 दे रही है। A2 कितना है मेरे पास? 1/2 माइनस A1 कितना है? तो 3/2। क्या करेंगे? नफी करेंगे, क्योंकि बीच में काई की निशानी है, नफी की है। तो एक में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे? -2। और ये दोनों छेद सेम है। इससे पहले मैंने आपको बेसिक में सिखा चुकी हूँ कि अगर छेद सेम हो तो हमको हो सके ओसा ही लिखना है। 2 का 2, तो 2 एक का 2, तो मेरा डिफरेंस कितना निकला? -1 निकला। ये हो गया हमारा हिसाब हल। वापस समझाऊं, इस सवाल में क्या दिया है कि पहला रुक्न मालूम करने का है, तो पहला रुक्न तो हम तो समांतर श्रेणी में ही हमको मिल जाता है 3/2। दूसरी बात क्या बताई है कि सामान्य तफावत डी लखो, तो डी लखने का जाप्ता हमको याद होगा तो ही हम डिफरेंस काट सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको जो जाप्ते लिखा है वो 5 बार लिख कर हमको याद करना है। तो डी इज इक्वल टू A2 - A1। ए टू कितना है मेरा? 1/2 है, सूत्र के मुताबिक माइनस, और A1 3/2, छेद सेम है, चौकड़ी गुणाकार होगा नहीं, तो एक में से 3 जाएंगे तो -2 बचेगा, और दोनों छेद सेम है इसलिए मैंने 1 लिखा, 2 2 1 का 2, तो मेरा डिफरेंस कितना निकला? -1। ये मेरी मिसाल हल हो गई। अब इसके बाद हम मिसाल देखेंगे, मिसाल नंबर 2। चलो अब मिसाल नंबर 2 है कि नीचे माथी कई संख्या ने यादी समांतर श्रेणी छे, जो ते समांतर श्रेणी होय तो तेना पछीना बे पदो लखो। बे पद यानी के दो रुक्नो, पद को उर्दू में क्या कहेंगे? रुक्नो। तो इसमें 4 दाखले हैं, जिसमें से मैंने पहला लिया है। इसके बाद क्या हम करते जाएंगे, तो क्या दिया है कि नीचे दी हुई जो अदद है, जो हिसाबी तसाउद है, क्या वो हिसाबी तसाउद है? अगर वो है तो उसके बाद के दो रुकनों यानी के 4, 10, 16 A1, A2, A3, A4, तो A5 और A6 हमको मालूम करना है। इसके बाद के दो अदद को हमको तलाश करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे के डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कितने आए। D = 2, तो D = 2 क्या आएगा? A2 - A1, तो 10 - 4, तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचे। चलो अब दूसरा देखेंगे, तो D = 2 क्या रखूंगी मैं? A3 - A2, A3 कितना है? 16 है, A2 कितना है? 10 है,
डिफरेंस कितना आया, 16 में से 10 जाएंगे 6। चलो दूसरा देखेंगे, ए फोर माइनस ए थ्री, तो 22 माइनस 16, तो 22 में से 16 भी जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यानी कि मेरा डिफरेंस कितने आए 6 आया, तो ये मेरी समांतर श्रेणी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको A1, A2, A3, A4 दिए लाए, तो हमको पांचवा पद और छठा पद शोधना है। तो मेरे पास आखिरी रुकन कौन सा है, 22 है, तो मैं क्या करूंगी डायरेक्ट 22 प्लस 6, तो 22 में 6 को प्लस करता हूँ कितने होंगे 28 होंगे, 28। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो अभी 28 है तो 28 प्लस 6 करता हूँ, तो 28 में 6 मिलाऊंगी तो 34, ये हमारे रुकन हो गए। ये देखिए इसके बाद के मैंने दो रुकन निकाले, ये कौन सा रुकन हुआ, 1 2 3 4, ये पांचवा रुकन हुआ और ये छठा रुकन हुआ, यानी कि 4 10 16 22 28 34, डिफरेंस सब में 6 6 का आएगा, तो डिफरेंस काटेंगे तो 6 6 प्लस करते जाएंगे, उसके बाद हमारी समांतर श्रेणी बनती जाएगी। तो ये हो गया कि पहला रुकन में, पहला रुकन कितना है मेरा 4 है, तो पहला रुकन मैंने देखा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर मेरे को पहला रुकन मालूम करना हो, तो कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4, तो हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू 4, यानी कि पहला रुकन मैंने काट लिया 4। उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद के दो पद काटे, तो दो पद काटने के बाद मेरा a2 माइनस a1 10 माइनस 4 डिफरेंस कितना आया मेरा 6 6 का आया। इसके बाद के दो पद काटने के, तो 22 है तो छेला पद 22 है, तो 22 प्लस 6 कर दिया तो 28, 28 प्लस 6 कर दूंगी तो 34, इसके बाद भी मैं काट सकती हूँ 34 प्लस 6, जिन्हें कि मैं आगे बढ़ती ही जाऊंगी। अब हम इसके बाद का दूसरा देखेंगे, चलो इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा हिसाब है 1 - 1 - 3 - 5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफरेंस काटेंगे, तो क्या है मेरे पास a2 - a1, तो a2 कितना है मेरे पास माइनस एक है, फिर माइनस का माइनस, एक का एक, तो माइनस माइनस मिलके हमारा क्या होता है प्लस होता है, लेकिन मेरा जवाब कायम आएगा माइनस 2। इसके बाद आएगा a3 - a2, तो a3 कितना है यहाँ मेरे पास माइनस 3, माइनस का माइनस, ए टू कितना है माइनस एक, तो देखो ये माइनस 3 का 3 और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 1 का 1, तो माइनस प्लस मिलके क्या होएगा माइनस होएगा, तो 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, लेकिन मोटी संख्या माइनस की है इसलिए मैं क्या करूँगी यहाँ माइनस 2। इसके बाद आएगा a4 - a3 - a3 - 3, तो चलो ये -5 का 5, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, नहीं है -3 3, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, लेकिन मोटी संख्या माइनस की है इसलिए मेरा क्या जवाब आया -2 आया। अब इसकी हमको दो पद आज बनाने, तो सबसे आखिरी रुकन कौन सा है मेरे पास -5, डिफरेंस कितने का आता है मेरे पास -2 का आता है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस होएगा, 5 में 2 मिलाऊंगी तो कितने होंगे 7 होंगे, लेकिन मोटी संख्या ये है तो मेरा जवाब क्या आया -7। अब 7 आया तो -7 प्लस डिफरेंस सही है, समांतर श्रेणी है, सेम जा रहा है इसलिए, तो 7 में माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 में 2 मिलाऊंगी तो 9, लेकिन मोटी संख्या 7 है इसलिए निशानी भी -9 की है, यानी कि उसके बाद के, यानी कि 5 के बाद मेरे को क्या मिला -7 मिला, और -7 के बाद मेरे को क्या मिला -2, क्योंकि हमको उसके बाद के दो रुकन मालूम करने हैं, तो याद रहे कि माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस हुआ, लेकिन मैंने निशानी काय की रखी माइनस की, यहाँ भी क्या हुआ माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन मोटी संख्या मेरी 3 है तो मैंने माइनस की निशानी रखी, डिफरेंस मेरा सेम आया इसलिए ये समांतर श्रेणी है, और ये समांतर श्रेणी है तो इसके बाद के दो रुकन हमको मालूम होंगे। अब इसके बाद हम तीसरा देखेंगे,
चला इसके बाद की हम श्रेणी देखेंगे कि माइनस दो तीसरा है, तीसरा है माइनस दो, दो माइनस दो, दो माइनस दो, इसके भी हमको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो इसके आगे के पद हमको मालूम करने हैं, और अगर नहीं है तो हिसाब वहां पर अटक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो क्या करेंगे, b इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन है ना, ए टू कितना है मेरे पास दो है, माइनस अब यह कितना है मेरा ए वन माइनस दो, तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों दो कितने हो गए चार हुए। अब मैं क्या करूंगी ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री कितना है मेरे पास माइनस दो सूत्र के हिसाब से माइनस, और ए टू कितना है मेरे पास दो है, तो माइनस माइनस मिलके पता क्या हो जाएगा वापस प्लस होगा चार है। लेकिन मैं किसकी निशानी रखूंगी माइनस की, देखो यहाँ दोनों डिफरेंस मेरे कैसे निकले प्लस माइनस में निकले, इसलिए ये मेरी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी के अंदर जितने भी डिफरेंस है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर सेम तो है लेकिन एक चार प्लस में आया और एक चार काय में आया माइनस में आया, इसलिए ये मेरी समांतर श्रेणी नहीं है। हम यहाँ नहीं देंगे कि ये हिसाबी तसाउद नहीं है, या फिर इंग्लिश में लिखने का कि ए पी नहीं है, आप लोग लिख सकते। तो ये हम लिख देंगे कि ये हिसाबी तसाउद नहीं है, या फिर ये एपी नहीं है, शॉर्टकट ये एपी नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है, तीनों तीन भाषा मैंने आपको बता दी, समझ पड़ी। वापस समझाऊं कि माइनस दो डी बराबर ए टू माइनस ए वन, हमको रुकनों के ऊपर ध्यान देना है, ए टू माइनस ए वन, ए टू मेरा दो है ए वन मेरा माइनस दो है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तो दो ने दो कितने होंगे चार होंगे, फिर ए थ्री माइनस ए टू होगा, तो ए थ्री मेरे पास माइनस दो है सूत्रों के हिसाब से माइनस, और ए टू बराबर दो है, तो दो ने दो कितने माइनस माइनस मिलके वापस प्लस होगा, तो लेकिन मेरे पास ये आगे माइनस है इसलिए मैंने निशानी करके रखी माइनस, तो मेरा जो डिफरेंस निकाल लिया निकाला है मैंने वो कैसा निकला, अलग निकला, एक प्लस में आया एक माइनस में आया, इसलिए ये हिसाबी तसाउद नहीं है, इसलिए हमको इसके दो आगे के रुकनों भी मिलने वाले नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथा, चलो इसके बाद का आखिरी हम देखेंगे एक एक दो 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 तीन तीन तीन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिसाबी तसाउद है तो ही हमारे इसके आगे के रुकन मालूम होंगे। तो सबसे पहले ए टू माइनस ए वन, ए टू भी एक है सूत्र के हिसाब से माइनस, ये भी एक है, एक में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे जीरो। अब देखेंगे ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री कितना है मेरे पास एक, माइनस ए टू कितना है ए, तो क्या आएगा मेरा जीरो आया। उसके बाद भी देख लेते हैं ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर कितना है मेरे पास दो है, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर कितना है मेरे पास दो है, ए थ्री कितना है मेरे पास एक है, तो दो में से एक जाएंगे तो कितने बचेंगे एक। देखो यहाँ पर जीरो आया, यहाँ पर जीरो आया, लेकिन यहाँ पर कितना आया ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू कितना डिफरेंस निकला एक का निकला, इसका मतलब मेरा जो डिफरेंस है वो कैसा है अलग है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद नहीं है, तो आगे हिसाब चलेगा नहीं, तो ये हिसाबी तसाउद नहीं है, यानी कि ये समानता श्रेणी नहीं। ये हमारे हो गए चार चार पांच मिसाल हुई, यानी कि एक चार हिसाब थे एक में और एक में एक था। अब आपको जाब्तों के हिसाब के ऊपर से हम हिसाब हल करेंगे आगे।